तो पहले ही बताना चाहता हूं कि रीनीट जो 1500 लोगों का हो रहा है और होने वाला है, एंड नीट से रिलेटेड जो जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी दिया है और देने वाले हैं, उन चीजों को लेकर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इतना दिन जब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट से एनटीए से कोई भी जवाब नहीं आया, लगभग काइंड ऑफ जुमला एंड स्कैमिंग टाइप का हो रहा है। तो इस टाइम पे मैं यही मान के चल रहा हूँ, ये जो आपका नीट का स्कोर है, ये जो आपका नीट का ऑल इंडिया रैंक है, इसके ऊपर बेस करके की काउंसलिंग होगा, एंड यही मेरा एजम्पशन है इस टाइम पे, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का। मैं ये नहीं चाहता कि फट करके एक रिजल्ट और एक डिसीजन निकल जाए कि हाँ रीनीट कुछ नहीं होगा, 1500 का नीट हो गया एंड बाकी लोग जो रैंक थे उनका ही थोड़ा शफल्ड अप होगा एंड हम लोग काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम वन वीक। तो इसके बाद स्टूडेंट्स लोगों का जो डिसीजन होगा, जो सिचुएशन होगा, वो लोग प्रॉपर गाइडेंस नहीं पा सकते कि कौन सा कॉलेज लेना अच्छा होगा और बुरा होगा, प्राइवेट कॉलेज ले और गवर्नमेंट कॉलेज ले। एंड ऑब्वियसली गाइस, इसको लेकर ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर रीनीट ना हो, इस रैंक के बेसिस पे जो 1500 स्टूडेंट्स का नीट होने वाला है, उसके बाद जो रैंक आएगा उसके बेसिस पे कट ऑफ क्या जाना चाहिए इन वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा, इन एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज, इन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, इन बीडीएस सेमी गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज, बीएचएमएस एंड बीएमएस कॉलेजेस। तो वीडियो को अंत तक देखिए। एंड यहां पर मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, जो एनालिसिस है, जो बेसिस है, वो फर्स्ट एक मिनट के अंदर बताऊंगा, एंड जो मोटा मोटा करके आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए कि इस रैंक के अंदर अगर हमारा है और इस रैंक के अंदर अगर हमारा ऑल इंडिया रैंक पड़ता है, तो हम लोग जरूर जरूर वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन। एंड एज ए यूट्यूबर मैं यही बोलूंगा सभी लोगों को, देखो आई नो कि बहुत दिनों से आप लोग लगभग डिप्रेशन में हो, बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि भैया सुसाइडल टेंडेंसीज जनरेट हो रहे हैं, बोल रहे कि भैया सब कुछ लूटा दिया, फैमिली का सब कुछ लूटा दिया, लेकिन नीट में ऐसा एक रिजल्ट और ऐसा एक परिणाम हुआ, तो क्या करें। आप लोग हौसला मत खो, आई एम ऑलवेज विथ यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज हो रहा है, तो डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट कॉल योर भैया, मैं ऑब्वियसली आप लोगों के साथ हमेशा ही हूँ, ठीक है। एंड जो लोग मुझे कॉल करते हो, मैं कोशिश करता हूँ आप जब कॉल करते हो, अगर कॉल उठा भी ना पाओ जस्ट फॉर ओटी और एनी अदर ओबीडी पर्पस, देन आई ऑब्वियसली कॉल बैक ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यही कोशिश करूंगा एंड यही दुआ करूंगा कि सभी लोग अच्छे से कोई एक मेडिकल कॉलेज ले लो और नेक्स्ट साल का प्रिपरेशन स्टार्ट करो, लेकिन डीमोटिवेटेड होकर सुसाइड मत करो भाई, ये बता रहा हूं, आपका लाइफ आपका ही लाइफ है एंड आप जाने के बाद आपको मम्मी पापा को कोई नहीं देखेगा, तो आपको ही देखना पड़ेगा, आपका फैमिली का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो गाइस डोंट थिंक एनी बैड थिंग्स प्लीज। तो पहले ही बता देता हूं हम लोगों का एजम्पशन का बेसिस क्या है। हम लोगों का जो एजम्पशन का बेसिस है वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। हम लोग मोटा मोटा मान के चल रहे हैं, देखो बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मतलब मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ एंड उनका जो डिसीजन ओपिनियन है एग्री भी नहीं करता हूँ। इसका रीजन है कि ये 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इधर उधर से वीडियोस डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कोई लॉजिक नहीं होता। वो लोग आकाश का रैंक ऐड कर रहे हैं, आलमीन मिशन का रैंक ऐड कर रहे हैं एंड बाकी जो जो इंस्टीट्यूट का रैंक ऐड करके उस हिसाब से एक स्टेट मेरिट लिस्ट निकल रहे हैं, उससे ऑल इंडिया रैंक निकल रहे हैं, लेकिन दैट्स नॉट द प्रॉपर वे मुझे जो लगता है। तो इस साल मैं एक ऐसा एजम्पशन लेता हूँ कि पिछले साल का मतलब नीट 2023 का जो गया था कट ऑफ, उसको ही मैं मोटा मोटा मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो रैंक ऑफ नीट 2023 एंड यहाँ पर नीट 2024 में जो रैंक होने वाला है, मुझे लगता है वहां पर हमारे वेस्ट बंगाल में फ्यू रैंक ऐड होने वाले हैं। जैसे मैं समझ रहा हूँ आपको कि यहाँ पर अगर कोई बंदे का एमबीबीएस गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहता है, वो तो पिछले साल का अप्रोक्स जो कट ऑफ गया था वो गया था 35,000 to 36,000 के आसपास, लेकिन इस साल नीट में ऑलरेडी 24 lakh एस्पिरेंट्स थे एंड वेस्ट बंगाल से भी एक भारी मात्रा में एस्पिरेंट्स वहां पर अपीयर किए थे एंड क्वालिफाइड भी हुए हैं। तो वो मैं मानकर चल रहा हूँ कि पिछले साल का 36,000 गया है, तो ऑलरेडी 4,000 to 5,000 मार्जिन के अंदर इंक्रीमेंट हो सकता है ये रैंक का। तो अगर किसी जनरल कैटेगरी का मतलब पिछले साल जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया है इन गवर्नमेंट कॉलेजेस अप्रोक्स 36,000, तो वो इस साल अप्रोक्स जाना चाहिए 40,000 के आसपास, और 40,000 के अंदर अगर आप लोगों तो ऑब्वियसली यू शुड टेक पार्ट इन काउंसलिंग, क्योंकि अगर काउंसलिंग आपके हाथ से निकल जाए तो वो नेक्स्ट ईयर आपको फिर से चांस मिलेगा, इस साल नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड होने के बाद सीट खाली नहीं रहते इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो आपको स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जहां पर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस लेना पड़ेगा एंड उस टाइम पे कहोगे कि भैया आपने कहा था तो हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन पोर्शन ऑफ दिस वीडियो। तो मुझे जो लगता है गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी में इस साल का जो कट ऑफ जाना चाहिए दैट शुड बी
40,200 के आसपास, मतलब अगर आपका रैंक इसके अंदर है तो यू शुड टेक पार्ट इन वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसिलिंग। ओबीसी में 41,000, ओबीसी में 44, एससी कैटेगरी में 1.5 लाख, एसटी में 5.5 लाख, एंड ईडब्ल्यूएस में 75,000 के आसपास अगर आपका रैंक होता है, और अगर आपका रैंक इन सब जो रैंक मैंने बताया इसके अंदर पड़ता है तो यू शुड टेक पार्ट इन वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसिलिंग। वैसे ही सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में फॉर जनरल कैटेगरी 75,000, ओबीसी 80,000, ओबीसी भी 90,000, एससी 1.9 लाख, एसटी 10 लाख, एंड ईडब्ल्यूएस 3 लाख। इसके बाद आते हैं हम लोग बीडीएस कॉलेजेस में। बीडीएस कॉलेजेस में अगर फॉर जनरल कैटेगरी अगर आपका रैंक 55,000, ओबीसी में 55,500 टू 55,000 टू 56,000 के आसपास, ओबीसी बी में OBC B में 62,000, ST में 1.7 लाख, ST में 6 लाख, एंड EWS में 1.15 लाख के अंदर है तो यू शुड टेक पार्ट इन काउंसलिंग। आप लोग एक सेफ जोन में होल्ड कर सकते हो एंड आप लोगों का सेमी BDS कॉलेज हो भी सकता है। अगर आप लोग सेमी गवर्नमेंट BDS कॉलेज लेना चाहते हो तो फॉर जनरल कैटेगरी 92,000, ओबीसी 1.4 लाख, ओबीसी भी 1.5 लाख, एससी 2.4 लाख, एसटी 10.5 लाख, एंड ईडब्ल्यूएस 4.5 लाख के अंदर अगर आपका रैंक है तो आप लोग पार्ट ले सकते हो एंड आप लोग सीट भी सिक्योर कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप लोग पूछोगे कि ईडब्ल्यूएस में इतना ज्यादा रैंक क्यों हो रहा है, आपका डेटा में क्या कोई गलती है? लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर डेटा में कोई गलती नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बहुत कम होते हैं एंड डेंसिटी भी कम होता है तो बहुत लास्ट तक वो जा सकते हैं इन सेमी गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस। ठीक है, अब आते हैं बीएचएमएस में। बीएचएमएस में जनरल कैटेगरी में 1.4 लाख के अंदर का आपका रैंक है, ओबीसी ए में 1.5 लाख, ओबीसी बी में 1.9 लाख, एससी में 3.5 लाख, एसटी का पता नहीं है लेकिन 10 लाख के आसपास वो जा सकता है, एंड ईडब्ल्यूएस में अगर 4 लाख के आसपास अगर आपका रैंक है तो आप लोग कोई एक गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज अवेल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर डेटा जो मुझे लगता है इस साल। ठीक है, एंड इसके बाद आते हैं बीएएमएस और बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जन। यहाँ पर अगर आप लोग जाना चाहते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा रैंक आपको अच्छा लगेगा होम्योपैथी से। जनरल में 65,000, ओबीसी में 80,000, ओबीसी बी में 95,000, एससी में 2.2 लाख, एसटी में 9.5 लाख, एंड ईडब्ल्यूएस में 1.6 लाख के अंदर अगर आप लोगों का रैंक है तो आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा सकते हो इन बीएचएमएस एंड बीएएमएस। एंड जनरली मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि बीएएमएस कॉलेज सिर्फ और सिर्फ वन है एंड बीएचएमएस कॉलेजेस लगभग 4 से 5 इन वेस्ट बंगाल जो बाद में हम लोग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही, एंड ऑब्वियसली वन थिंग टू से, अगर आपको कोई भी कॉलेज रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन डेटा चाहिए तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप लोग हमारे काउंसलिंग सर्विस को भी अवेल कर सकते हो फ्रॉम दिस नंबर। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप लोग वहां पर जाकर अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर देकर आपका क्वेरी पुट कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आप लोग काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हो तो चीपेस्ट प्राइस में हम लोग आपको काउंसलिंग सर्विस अवेल करेंगे जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हो। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड के गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो।